मैं आपके सामने भोजपुरी के उस बड़े शायर को बुला रहा हूं, उस हास्य कवि को जिसकी कविताएं अब दिल्ली से लेकर के मैं समझता हूं अभी अभी हाल में हैदराबाद भी वो गया हुआ था, और उस भोजपुरी का बड़ा हास्य कवि कहा था किसी ने कि भिनसारे खटिया के नीचे कुकुर हाँफे, गैया मांगे सानी पानी पोंच उठा के, असुनरी के आंगन में जब से उचरल कागा, ऐठे झोटा में महकौआ तेल लगा के। तो ये स्टाइल भोजपुरी के लिए मैं ये कहता हूं। हमारे साथ बहुत सारे लोग बैठे हैं, जबान वही बहुत ही मोतबर मानी जाती है जिसमें एहसासात के टेम्परामेंट के हिसाब से लफ्ज रखे हों। मैं चाहता हूं आप सुनिए गौर से मेरी बात दो लाइन की। भोजपुरी अभी तक बोली से भाषा में तब्दील नहीं हुई है, लेकिन हम उर्दू में सफेद कहते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में व्हाइट कहते हैं, और श्वेत हिंदी में कहते हैं, लेकिन भोजपुरी ही वो बोली है जिसमें हम उज्जर के साथ उज्जर धब धब कहते हैं, करिया के साथ करिया कुछ कुछ कहते हैं, और लाल के साथ लाल टेस कहते हैं। आइए उस लाल टेस को जिसका नाम बादशाह प्रेमी है आपके हवाले मैं कर रहा हूं। कुशीनगर से आए हुए मेरे छोटे भाई, और बहुत ही लंबी मुद्दत के साथ मैं हमेशा ये कहता हूं कि बिहार का बुला में बिहार के अंदर का मैं इंट्रोड्यूसर हूं इनका, और उसके बाद ये सफर इनका जो लंबा चला तो आज तो ये हिंदुस्तान देख रहे हैं। माशाल्लाह अल्लाह ने इनको सलाहियत भी दी है, देखिए। आदरणीय जफर साहब को इधर और शकील साहब को, आप सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और चंपारण की इस पावन मिट्टी को प्रणाम करता हूं जहां से मेरी सही पहचान बनी, जैसा कि शकील साहब ने कहा है। अभी बहुत सारी इस मोहब्बत की बातें हुई, और मेरे आने से पहले बहुत सारे लोग रोक भी रहे थे। मैं तो सोच रहा था कि मैं अभी आधे घंटे तक पैदा ही नहीं होऊंगा, ऐसा मेरे पैदा होने पर पाबंदी क्यों। मैं सीधे सीधे बात अपनी रखता हूँ, और सज्जनों मैं हास्य व्यंग की कविताएं पढ़ता हूँ। मेरा मानना है, भैया कहाँ है, इको कम करिए, इको इको बोलता हूँ तो लगता है मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे पिताजी भी बोल रहे हैं, एक साथ डबल डबल आवाजें निकलती है। धारा प्रवाह बोलने के लिए नहीं है, अगर कोई गाने लगे तो कहिएगा, एक ही बात चार पांच बार कहेगा कोई बात नहीं है। मैं कह रहा था कि हंसना जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। आप दिन में 5 बार खुल के हंसे तो आपको कोई बीमारी नहीं छू सकती। वैसे भी मैंने सुना है कि सुबह से ही यह कार्यक्रम चल रहा है, बेशक आपका दिमाग चाटा जा रहा होगा, और जितना दिमाग चाटा जा गया होगा मैं पुनः चाहता हूं कि वो आपकी पुनरावृत्ति हो जाए, फिर से वो दिमाग आपके पास आ जाए ताकि ठीक से ढंग से आप बाकी लोगों को आप सुन सकें। हंसना मैं कह रहा था जीवन में इसलिए जरूरी है कि हंसने से शरीर की 36 मांसपेशियां हरकत करती हैं, यौगिक क्रिया होता है, और साथ साथ मैं कहता हूं कि हंसना ही जीवन का सुख है, हंसना ही जीवन का सुख है, वर्तमान में प्राण हंसी है, दुश्मन नहीं दुश्मनी मारे ऐसी अनुसंधान हंसी है, मन दिमाग में ऊर्जा भर दे जड़ चेतन की जान हंसी है, लोभी कपटी धूर्त मूर्ख की करवाती पहचान हंसी है, और समरसता का बीज मंत्र यह सहज सरल आसान हंसी है, और प्राण वायु की आयु बढ़ाए सौ में सत्य विज्ञान हंसी है। वाह वाह वाह, मुझे पता है कि इतने लोग बजवा लिए हैं कि आप लोग थक गए हैं बजाते बजाते। हाँ बहुत, अब सुबह से ही ऐसे कर रहे हैं, लेकिन देखिए जो मुशायरों में ताली नहीं बजाता कई जन्मों तक घर घर ताली बजाना पड़ता है। मैं कहता हूं कि बाग वह बेकार है जिसमें नहीं माली मिले, शहर वह बेकार है जिसमें नहीं नाली मिले, और ससुराल वह बेकार है जिसमें नहीं साली मिले, और महफिल वह बेकार है जिसमें नहीं ताली मिले। हाँ ये बात, ये हमारा भी थोड़ा मार्केट बना दीजिए आप लोग, ऐसा थोड़ा ना बहुत दूर का सफर तय किया। मैं ईमानदारी बता दूं, 90 किलोमीटर बाइक चलाया हूं और 150 किलोमीटर सफर किया हूं ट्रेन से, और ट्रेन भी ऐसी कि 4 लाइन आते आते संयोग से लिख दिया हूं ट्रेन में, पहले वही पढ़ दे रहा हूं कि घड़ी वह कौन है जिससे ये टाइम सेट करती है, घड़ी वह कौन है जिससे ये टाइम सेट करती है, ठहरती है वह घंटों किसी का वेट करती है,
घड़ी वह कौन है जिससे ये टाइम सेट करती है, ठहरती है वह घंटों किसी का वेट करती है। मेरे भाई कभी भी भूल कर इससे नहीं आना, ये जान नायक है ऐसी जो हमेशा लेट करती है। और सुनिए, जननायक ट्रेन में ही ये घटना घटी है। हमारे साथ तीन चार लोग और भी थे, मैं बता दूं, ये चार छह लोग चढ़े, ये वाले हैं। अब देखिए, मैं कभी पैसा नहीं देता हूं, लेकिन आज 10 रुपया हमको देना पड़ा है। ऐसे में चार लाइन केवल पढ़ दे रहा हूं, सुनिएगा। कि पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया। पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया, और चुम्बन लिया गाल का, उसको 10 रुपया तत्काल दिया। हालांकि ये नॉनवेज नहीं है, लेकिन आप लोगों को अच्छा लग रहा है। पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया, और चुम्बन लिया गाल का, उसको 10 रुपया तत्काल दिया। हद हो गई ट्रेन की घटना, मुझसे पहले घर आई, चुम्बन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया। अच्छा, अब देखिए, अभी हम मिजाज बना रहे थे आप लोगों का, अभी हालांकि हमारा मिजाज अभी बना नहीं है। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी अब परिवर्तन और हो जाए, और एक वंदना पढ़ता हूँ। देखिए, अक्सर मंचों से मैं पढ़ता हूँ, और वंदना से ही अपनी बात शुरू करता हूँ। देखता हूँ थोड़ी देर आप लोग टिकने देते हैं कि नहीं, प्रयास करता हूँ। सुनिएगा कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूँ मैं। ओ आलसी वारे हो शराबी हो गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूँ मैं। अच्छा, जब बिहार में शराबबंदी हो गई तो आप लोग क्यों ताली बजा रहे हैं? अच्छा अच्छा, हमारा यूपी अभी जिंदाबाद है। जो लोग बॉर्डर के लोग हैं वो लोग समझ रहे होंगे, बगल में है। कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूँ मैं। ओ आलसी वारे हो शराबी हो गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूँ मैं। ओ चमचे दलालो सूद खोरो घुस खोरो मुंह जोड़ो मत खोरो का कलाम करता हूँ मैं। कि चमचे दलालो सूद खोरो घुस खोरो मुंह जोड़ो मत खोरो का कलाम करता हूँ मैं। और दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूँ मैं। हालांकि एक जूता मेरा गया ही था, अभी नीचे से निकला है अभी। और उल्लुओं और गधों या बैलों को बार बार लगातार याद हर शाम करता हूँ मैं। और जितने घोटाले बाज बिहार को छोड़कर, भाई हमको सुरक्षित वापस भी जाना है। कि जितने घोटाले बाज चाल बाज धोखे बाज सबको नमन सरेआम करता हूँ मैं। और गुंडे मूछ मुंडे, देखिए जो लोग मंच पर इनको छोड़ के कह रहा हूँ, दरअसल इनकी बढ़ती तादाद को देखते हुए मैंने कुछ लोगों को छूट दे दिया है, जैसे डॉक्टर, मास्टर, नेता, अभिनेता, छात्र या छक्का। ये बिना मूछ कर है मुझे कोई अतराज नहीं, बाकी कोई मूछ, हालांकि दो नाम और हमने शामिल किया है, पुलिस और पत्रकार, इन लोगों को भी मूछ नहीं रख रहे तो मुझे कोई अतराज नहीं। कि गुंडे मूछ मुंडे अर्धनारी दुराचारी और व्यभिचारियों की वंदना तमाम करता हूँ मैं। और प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे, हास व्यंग लिखने का काम करता हूँ मैं। प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे। और चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि सुनिए श्रीमान, मान मेरा जो बढ़ाएंगे तो स्वर्ग में सम्मान बिन मांगे आप पाएंगे। और शुक्रिया के साथ उनके लिए दुआ करेंगे, वाह वाह करेंगे जो तालियां बजाएंगे। और सोने वाले सूरदास पेटूदास खाने वाले जाने वाले यार बार बार पछताएंगे। और दाद के भिखारी आशीर्वाद के पुजारी हम खुद न हंसेंगे पर आपको हंसाएंगे। और ये चार पंक्तियां शब्द के साथ पढ़ता हूँ कि कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं गूंगे बहरे पशु या पाषाण कहलाएंगे। और साहबों का भैंसे का जन्म होगा उनका जो याधि कविता के बीच उठ कर जाएंगे। हालांकि मैं कहता हूँ कि वो घूस नहीं देता तो पास नहीं होता, वो घूस नहीं देता तो पास नहीं होता, और संगीत समझता तो उदास नहीं होता। और जाते हैं वही उठकर अक्सर मुशायरों से जिनको पड़ोसियों पर विश्वास नहीं होता। तब मैं पढ़ रहा हूं कि
साढ़पों का भैंसे का जन्म होगा उनका जो अधिका पिता के बीच उठ कर जाएंगे और बातचीत शोर गुल करेंगे वो बकरी या भेड़ का ही रूप अगले जन्म पाएंगे और पत्नी से मारनी तक खाएंगे वो पांच लात हूट जो करेंगे मुझे मंच से भगाएंगे कि पत्नी से मार। हालांकि ये बात दो लोगों पर लागू नहीं होती है, एक तो जफर साहब पर और दूसरे शकील साहब पर। भाई एक संयोजक है और एक निजामत कर रहे हैं, ये दो लोगों को छोड़ के मैं कह रहा हूं। और देखिए बातें बहुत सारी हुई हैं, मैं चाहता हूं चार चार पंक्तियां मैं भी निवेदित कर दूं। अभी भी इश्क मोहब्बत की बात हो रही थी लेकिन बुजुर्गों का कहीं नाम नहीं आया, मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं। हालांकि कई लोग बुजुर्ग जो यहां मंच पर भी है मैंने देखा है नाराज हो गए थे, मैं पढ़ता हूं चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि सुना है, मैं सच्ची बात करता हूं। देखिए लाग लपेट की बात नहीं करता हूं, ये कुछ ऐसे कवि होते हैं कुछ ऐसे शायर होते हैं जो तिल को ताड़ बना देते हैं, तेरे जुल्फों के साए में रहने को जी चाहता है, आदमी अगर जुआ है तो ऐसा हो सकता है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था आज भी और कल भी रहेगा, भूत है क्या तुझे तेरी खुशबू से पहचानने लगे, कुत्ता है क्या तू, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं तेरे पापा उठाए क्या, ये अतिशोक्ति है, अतिशोक्ति है, ये नहीं होने वाली बात को घुसेड़ दिया जाता है। मैं ऐसा नहीं लिखता हूं, मैं लिखता हूं जो देखता हूं वो लिखता हूं। सुनिए मेरी चार पंक्तियां सुन लीजिए कि सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, ये सही है, सुना है अनुभव की बात कर रहा हूं, सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं, सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं, और मोहल्ले में हमारे एक आशिक है 72 के रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। अरे वाह रे च्यवनप्राश, वाह 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 वाह, खूब खूब। देखिए कई लोगों को कई कई मालाएं पहनाई गई, हमारे भाग्य में बस माला ए माला बी और दो माला बाकी है, माला सी और माला डी। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि बुढ़ापे में किए हैं प्यार का इजहार मत पूछो, बुढ़ापे में किए हैं प्यार का इजहार मत पूछो, और सुना है जेल में है आजकल तिस्मार मत पूछो, बुढ़ापे में किए हैं प्यार का इजहार मत पूछो, सुना है जेल में है आजकल तिस्मार मत पूछो, और समझते हैं उन्हें भगवान जो उनको समझने दो, ये कब साड़ी पहन लगे और कब सलवार मत पूछो। वाह है कहाँ ले गए आप, वाह 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 वाह, अच्छा वाह वाह वाह, पढ़िए भाई कब सलवार पहन के भागेंगे, बुढ़ापे में किए हैं, बुढ़ापे में किए हैं प्यार का इजहार मत पूछो, सुना है जेल में है आजकल तिस्मार मत पूछो, और समझते हैं उन्हें भगवान जो उनको समझने दो, ये कब साड़ी पहन लगे और कब सलवार मत पूछो। और चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, एक नाम लूंगा राधे माँ का, हालांकि इस मंच पर भी मुझे लगा कि पहले राधे माँ की जुड़वा कहीं उत्पन्न हो गई है, मैं किसी का ये नहीं कर रहा हूँ, ऐसा लगा मुझे अचानक लगा, महाराष्ट्र में बड़ा चर्चित नाम है राधे माँ का, और ये लगा अखबार में खबर छपी कि चंद दिनों के अंदर राधे माँ भी हवालात की हवा खाने वाली हैं, मैंने सोचा कि अगर इनको भी जोधपुर में ही अगर ऐड कर दिया जाए तो कुछ मसला हल हो जाए, जहां बाप बेटे पहले से हैं। अब सुनिएगा चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि जवानी जश्न में डूबी लड़कपन खेल में बीते, जवानी जश्न में डूबी लड़कपन खेल में बीते, और समय जो मेल से बाकी बचा फीमेल में बीते, जवानी जश्न में डूबी लड़कपन खेल में बीते, समय जो मेल से बाकी बचा फीमेल में बीते, सुबह सौराष्ट्र देहरादून दिन में रात पूना में, सुबह सौराष्ट्र देहरादून दिन में रात पूना में, कथा कहते कथानक की कहानी रेल में बीते, और सुना है बाप बेटे ने कि राधे माँ भी आएगी, मनाते हैं कि हे ईश्वर बुढ़ापा जेल में बीते, मनाते हैं कि हे ईश्वर बुढ़ापा जेल में बीते। और सुनिए देखिए बातें बहुत सारी हैं मन में, लेकिन क्योंकि शकील साहब ने पहले ही कहा है मैं भोजपुरी भाषी क्षेत्र से मैं भी आता हूँ, लेकिन वानगी के तौर पे मैं चलते चलते भोजपुरी की बात तो करके ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से भोजपुरी का कभी यहाँ शायद ही कोई हो, मैं अभी तक मैं नहीं सुना कोई भोजपुरी भी पढ़ा हो इस मंच से, तो ये भी पूर्ति मैं करके ही जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ एक नई कविता की कुछ पंक्तियां और निवेदित कर दूं।
तमाम सारे लोग बैठे हैं, अगर सच्चाई लगे तो आप आशीर्वाद दीजिएगा। देखिए बातें बहुत सारी होती हैं मंचों से, अक्सर मैं करता हूं, एक छंद केवल पढ़ता हूं, चूंकि ये कौमी एकजहती का मंच है इसलिए पढ़ता हूं कि जाति धर्म भाषा की दुहाई दे के आप कभी, जाति धर्म भाषा की दुहाई दे के आप कभी लोगों को बेकार गोल बंद मत कीजिए। और एकता अखंडता जरूरी राष्ट्र हित हेतु तोड़ने का कोई छल छंद मत कीजिए। कि एकता अखंडता जरूरी राष्ट्र हित हेतु तोड़ने का कोई छल छंद मत कीजिए। और जाइए जुलूस में जरूर किंतु याद रहे तीर तलवार को पसंद मत कीजिए। जाइए जुलूस में जरूर किंतु याद रहे तीर तलवार को पसंद मत कीजिए। और सच बोलने के बाद सूली चढ़ जाए किंतु सच की आवाज कभी बंद मत कीजिए। कि सच बोलने के बाद सूली चढ़ जाए किंतु। और सज्जनों बहुत ही अच्छा लगा, मैं चाहता हूं ये कविता की कुछ पंक्तियां निवेदित कर दूं, सीधे सीधे पढ़ता हूं सुनिएगा। कि तीमारदार तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, तीमारदार तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, और सादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल। तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, और सादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल। हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चुट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल। जो कट सत्य है वो मैं कहता हूँ कि हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चुट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल। और पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर, पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर, रहता है नाम उनका अखबार में शामिल। पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर, रहता है नाम उनका अखबार में शामिल। और आपके हवाले ये दो पंक्तियां करता हूँ कि रमजान में रोजाना एक दिन भी रहेंगे, रमजान में रोजाना एक दिन भी रहेंगे, होते हैं वही पहले इफ्तार में शामिल। रमजान में रोजाना एक दिन भी रहेंगे, होते हैं वही पहले इफ्तार में शामिल। और दो पंक्ति और संभाल लीजिएगा, मैं आपके हवाले करता हूं कि दुनिया में तरक्की का रिकॉर्ड तोड़कर, दुनिया में तरक्की का रिकॉर्ड तोड़कर टापर हुए बिहार की रफ्तार में शामिल, टापर हुए बिहार की रफ्तार में शामिल। और हफ्ता वसूलते हैं गुंडों से आजकल, हफ्ता वसूलते हैं गुंडों से आजकल, संतों की हो गए हैं वो कतार में शामिल। हफ्ता वसूलते हैं गुंडों से आजकल, संतों की हो गए हैं वो कतार में शामिल। और प्रेमी किसी के बाप के गुलाम नहीं है, पर गिद्धों के हो गए प्रचार में शामिल, पर गिद्धों के हो गए प्रचार में शामिल। देखिए व्यंग की पंक्तियां कुछ जल्दी से ऊपर से निकल जाते हैं, अगर ठीक से नहीं सुना जाए तो। मैं कहता हूँ आदरणीय शकील साहब ने भी कहा कि भोजपुरी यद्यपि भाषा का दर्जा नहीं मिला लेकिन किसी भाषा से कमजोर नहीं है। मैंने कहा है तमाम चैनलों के माध्यम से, अगर आप लोग सुनते होंगे देखते होंगे तो मैंने तमाम चैनलों से कहा है कि भोजपुरी हमारी इतनी समृद्ध है, इतनी बलिष्ठ है, इतनी बलशाली है, एक शब्द के 30-30, 40-40 प्रवासी केवल भोजपुरी में होते हैं। आप देखें ये सर है और ये शरीर है, बीच की ये कड़ी जो है मात्र 2 इंच, लेकिन भोजपुरी में इसके 14 नाम है, 14 नाम है। अगर आप लोग भोजपुरी भाषी हैं तो समर्थन कीजिएगा। भोजपुरी में इसको कहते हैं मऊर मल पटेडुआ गौर दौन गाला गौर फफेला कंठ नरेटी नटई गटई घाटी घेट भगेला। वाह। अब मैं कहता हूँ कोई भी अंग्रेजी का विद्वान बताए 14 नाम है क्या? क्यों सर, आप तो अंग्रेजी की बड़ी ज्ञाता है, 14 नाम है ही नहीं। अगर दर्द हो रहा हो अंग्रेजी का विद्वान ज्यादा ज्यादा कह सकता है पेन हो रहा है। अगर भोजपुरी भाषी है तो गौड़ता बोथता चनकता टपकता छेदता बेधता करकता अमरता चिंझिलाता दुखाता निमोरता ऐठता। 40-40, 50-50 प्रवाची है एक एक शब्द के। ऐसा है तो भोजपुरी के नाम पे एक ताली आपकी होनी चाहिए पूरे पीछे तक के लोग। क्या बात है। अच्छा एक मुक्तक पढ़ के मैं टेस्ट लेता हूँ। खेत के हु अवरी के बोवता के हु, खेत के हु अवरी के बोवता के हु, बोझा बीमारी के ढोवता के हु, और रिंग टोन आयल मोबाइल में ऐसा उनकी बाजो तक के हु के टोवता के हु। वाह। अभी जले दिल पहले भोजपुरी ये पढ़ रहती है। अच्छा एक मुक्तक और देखें। बुढ़ियों करिया बार रंगा के छटवावे ले पट्टी, बुढ़ियों। देखिए हम कविता में बहुत दिमाग नहीं लगाते हैं, आप भी बिना दिमाग के सोचिएगा। हम कहते हैं कविता मेरी झंडू बाम तुरंत लगाओ तुरंत आराम। बुढ़ियों करिया बार रंगा के छटवावे ले पट्टी, अब बुढ़ो लागल मेहंदी पोते बार बुझाला चट्टी।
बुढ़ियों करिया बार रंगा के छठबाबे ले पट्टी आ बुढ़ो लागल मेहंदी पोते बार बुझाला चट्टी आ देखा देखी फैशन के ही आयल अजब बीमारी नक भवनी कंडेली सगर बन गई बरकट्टी। अच्छा देखी बहुत ऐसे नानवेज परोसल गए, एक मुख तक और देख ली कि नहीं खेल लहर तो लहरा मत लगाओ, नहीं खेल लहो तो लहरा मत लगाओ, लार चुहा का लसहरा मत लगाओ, नहीं खेल लहो तो लहरा मत लगाओ, लार चुहा के लसहरा मत लगाओ, अपन अगोरे के सांसे जब नहीं खे तो दूसरे की माल खाती पहरा मत लगाओ। अच्छा अच्छा चार लाइन और नौजवान लोग उछल उछल के ताली बजाओ, चार लाइन लोग आंख मिलबे ना करे तो पीआर कर सब, आंख मिलबे ना करे। अच्छा आप लोग हिट कर रहे हैं कि हुट कर रहे हैं? नहीं नहीं, आंख मिलबे ना करे तो पीआर कैसन, बात बनबे ना करे तो विचार कैसन, आंख मिलबे ना करे तो पीआर कैसन, बात बनबे ना करे तो विचार कैसन, आ जकरे खातिर रचाइल बा मेहंदी भला उ लोकबे ना करे तो सिंगार कैसन, लोकबे ना करे। अच्छा ये कविता और कविता पर दिखा, भोजपुरी के कविता सुन लेल जा, सरकार कोनो भाषा के विद्रोह खिलाफत नहीं कर जला यहाँ से, लेकिन निश्चित बात अगर जब बात लगल समाज में सामाजिक विकृति के लेके ऐसा कुछ लिखे के प्रयास हम कोई नहीं, कविता उहे हम कहले जहाँ बाप बेटी भाई बहन माई सारा लोग बैठ के एक साथ सुने सबके आनंद आवे, कहीं से तरह हम हास्य कबो जीवन में ना परोसे के प्रयास करनी कि जहाँ एक साथ बैठ के बाप बैठे तो है न कर मुड़ी करे, बेटा बैठे तो है न कर मुड़ी करे, सब सुने सबके आनंद आवे। एक कविता सुनल जाए अंग्रेजी जो तरह हावी भल जाती है हमने के समाज में, निश्चित तौर से अगर दुष्परिणाम अब आवे वाला समय में आपके देखे के मिल जाए, अब मिलते हुआ धीरे धीरे जहाँ लड़का जाता है तो कहता है बाय हाय, एक कर जाता है तो यू जैसे परिणाम देखल जा सुनल जा कविता कि भौजी चाची आंटी भैली माई भैली मम्मी, भौजी चाची आंटी भैली माई भैली मम्मी, अब बाप हो गई डैडी पापा नहीं खेत तनिको कमी, अब लोग डैडियो ने कहता है डैड मन गई लाइन के सेवा समा, भौजी चाची आंटी भैली माई भैली मम्मी, अब बाप हो गई डैडी पापा नहीं खे तनिको कमी, अब सीता गीता गायत्री कहले से जीव खियाता, रिंकी टिंकी डिंकी पिंकी ये है नाम धराता, सीता गीता गायत्री कहले से जीव खियाता, और रिंकी टिंकी डिंकी पिंकी ये है नाम धराता, अब मिल्क पाउडर डब्बा के बोतल में भर के टानी, तो बोतल के लड़का कैसे माई दादा पहचानी, मिल्क पाउडर डब्बा के बोतल में भर के टानी, तो बोतल के लड़का कैसे माई दादा पहचानी, अब माई की छाती के अमृत, माई की छाती के अमृत छीने जूस मौसमी, अब बाप हो गई डैडी पापा नहीं खेत तनिको कमी, अब दिने दिन भुलाएल जाता दही दूध या माठा, लोग रहे चिमरी पर ना तो तरकुल तर एकाठा। अच्छा जब से बिहार में बंद भइल बा तब से तरकुल वाला खूब चलता, हम देखत हमारी लग सब बिहार में कार्यक्रम में, हालांकि हमारे यहाँ चिमनी खूब छपले बाय बरा, हम लिखे वो कविता की 10 रुपया के झील ली चिमनी पर मिल ली, एक बार मार लिया 3 घंटा हील ली। अरे भाई तो आप सबकी बात कह गए, सबकी बात कि दिने दिन भुलाई जाता दही दूध या मट्ठा, लोग रहे चिमनी पर ना तो तरकुल तर इकट्ठा, और मछली गोश्त खरीदे खातिर लागे बड़का लाइन, और घीव के बदले खाई जाता डालडा तेल रिफाइन, घीव के बदले खाई जाता डालडा तेल रिफाइन, अब बाय बाय अहेलो हाय में भूल गए जय रम्मी, अब बाप हो गए डैडी पापा नहीं खे तनिको कमी, अब टीवी सीडी देख देख के मती गए बहुराई, अब बुढ़ो पोते काली मेहंदी बुढ़ियो हेयर डाई, टीवी सीडी देख देख के, टीवी सीडी देख देख के मती गई बउराई, अब बुढ़ो पोते काली मेहंदी बुढ़ियों हे डाई, अब दांत भले मुंह में नहीं के फेंको तारे गाज, अब ब्यूटी पार्लर में करवावे तीसरे दिन मसाज, दांत भले मुंह में नहीं के, दांत भले मुंह में नहीं के फेंको तारे गाज, अब ब्यूटी पार्लर में करवावे तीसरे दिन मसाज, और शहर देहात बराबर भइल, शहर देहात बराबर भइल, बाटे लोग उधमी, अब बाप हो गई ले डैडी पापा नहीं खे तनिको कमी, बाप हो गई ले। ए ए बादशाह जी कुकुर भोज कुकुर भोज कुकुर भोज। अच्छा सब भाव खाए लो तो हम को ने देखी हमार भाव कुछ बाकी ना है। अरे वाह जबरदस्त भाई, वाह वाह। अच्छा भोज देखी सरकार सही बात कि आपके चंपारण की धरती से ही मेरी पहचान बनी, इसमें कहीं दो राय नहीं है, आज पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद मन बड़ा आह्लादित होता है, बड़ा गदगद होता है, और शकील साहब का हमेशा आशीर्वाद मिलता है। मैं सुनाता हूँ, सुनिए जिस कविता से मेरी पहचान बनी, शीर्षक है, हालांकि ये प्रीति भोज था लेकिन हमने इसका शीर्षक दिया कुकुर भोज।
ये कविता हमारी पहचान की कविता है, कुकुर भोज, ग्रीटिंग कार्ड, बलीटर के पाड़ी, पाने का पीला, ये सब कविताएं भोजपुरी जगत में सुनी जाती है खूब दिल से। सुनिएगा, कुकुर भोज सुनाता हूं। हमारे यहाँ एक मंत्री जी का बहुत बड़ा आयोजन, 50,000 की भीड़, खाने पीने का बफर सिस्टम, इसी पर मैंने खाका खींचा और सुनिए आपके हवाले करता हूँ, सुनिएगा। एगो प्रीत भोज में भाई, एगो प्रीत भोज में भाई, गैनी का सबसे बतलाई, वहां जाके हमारा कौन कौन दुख झेले के पड़ल, रहे मंत्री जी के खर्च, कहनी घूम घूम रिसर्च, आ खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल, जुटल कई हजारन लोग, हमरा देखते भय रोग, सोचो भीड़ देख के डरे, कहनी भाग चले के घरे, सोचो भीड़ देख के डरे, कहनी भाग चले के घरे, भैया कहले अभी रुको, फारा गोल या भीतर ढुको। अच्छा देखिए, भोजपुरी के महत्व तो आपके बतौनी तो आपके यो जानल जरूरी बा। कहीं 50 लोग के भर्ती रहे, 500 लोग लाइन लगा के खड़ा हो गए, अधिकारी घबरा गए, बाहर एगो स्लिप लिख के सटा गए, कृपया कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करें, अंग्रेजी वाला गले मे आई कविन सर, हिंदी वाला गले श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ, बाहर चलिए, संस्कृत वाला गले अहम आगंतुम सज्जनम, कहले बाहर थोड़ी देर विश्राम करिए, भोजपुरी अलग अलग ढुक। अब देखिए इसका महत्व, देखिए महत्व, देखिए मात्र दो अक्षर में काम चल गया, दो अक्षर में, अब इससे कम किसी भाषा में है नहीं, हाँ कहीं नहीं है, दो अक्षर में कहा ढूंकी तो ढूंक भर्ती हो गए, ये लोग सब जन तकते रहे लौट के चली आई, तो भैया कहले अब है रुको, भैया कहले अब है रुको, फारा गोल या भीतर ढूंको, कहनी बाड़ा तू हूं देवता, लो हमरो लिखवा द नेवता, कहनी बाल तू हूँ देवता, लो हमरो लिखवा द नेवता, तबले पीछे से धकियावो, तो देखनी ढेर लोग के आवो, चहनी बामे दहिने हेलल, बाकी ऐसा आदमी ठेलल, हो गईनी बिघा भर आगे, लागो लोग निहुरिये भागे, अगीरल गेट टूट के ओकरे ऊपर हेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़, अंदर के नजारा देखी, धैल रहे प्लेट सजा के, धैल रहे प्लेट सजा के, लागल भागे लोग उठा के, धैल रहे प्लेट सजा के, लागल भागे लोग उठा के, कहीं सब्जी, कहीं पूरी, कहीं पुलाव, कहीं तंदूरी, जे बरियार रहे धकियावे, जे लम्हर रहे उपावे, जे बरियार रहे धकियावे, जे लम्हर रहे उपावे, आइल पुलिस तले 50 मंत्री जी के कार्यक्रम में पुलिस की कमी थोड़े न हुई। हालांकि हमारे यहाँ एक जन यूपी में पुलिस के पूछ ली हम कि सर आप लोग थाने में कुत्ता क्यों पालते हैं, कहले चोर पकड़ने के लिए, हम कह रहे आप लोग क्या करते हैं, कहले रस्सी पकड़ते हैं, हमारे यहाँ कुत्ता चोर पकड़े ला, पुलिस रस्सी पकड़े रहे, बिहार में स्थिति नहीं थी, तब हम बिहार के पुलिस के प्रणाम करते हैं कि आयल पुलिस प्रणाम यू तो करते हैं सुरक्षित जाओगे बा, अबे आहे के अबे गाड़ी हमने का ड्राइवर साहब लेके आओ, तो लगता 3-4 बारी सब रोको लो, बोले अरे भाई शायर हलो तब जाके छूट नहीं जाम लिखा, हमको जो नहीं कही जैसे जो चालान काट, देखिए पुलिस से डराए के चाहिए, आदमी के गढ़ा बना के लो चालान काट दे तो 20 बरिस होकर आदमी साबित करे में लगी आधा जवानी जले में गई, डराए के चाहिए सबका। आयल पुलिस तले 50, आयल पुलिस तले 50 लागल लोग करे शीर्षासन, शीर्षासन कहल जाए जो गोड़ ऊपर मुड़ी नीचे, वो के देहाते में लोग बांस गाड़ल कहेला, आयल पुलिस तले 50 लागल लोग करे शीर्षासन, जे मुड़ी पर डंटा पावे वो लागे गटे सुटकावे, जकरी कान्हे वो छुआ जा उलो भाग के कगरिया जा, जे गोड़े पीठी पर खाई ओकरा हरदी भांग छपाई, केहू खून चुआवत जावे, केहू टूटल दांत दिखावे, आ केहू अकड़े लागल पुलिस का ढकेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़, अब तरता टूटे लगल प्लेट, ना भइल भोजन से भेंट, आ जे जे रहे ढेर भुखाई असली उहे लोग पिटाई, जे सबसे आगे गए सबसे ढेर पिटा गए, आ हम तंदूरी पौनी एक के चूल्हा में का तंदूरी रोटी, हम तंदूरी पौनी एक के भगनी इज्जत बढ़ाई लेके, अब भैया लो लगौले आगे, देखते पुलिस लगला भागे, कहनी चलो कचौड़ी मांगो, कहला दू मां पहले भागो, का हो इहे हम प्रतिभोज, पंखा पीठ हो गल सोज, हम कहनी ई बफर कहाला, हम कहनी ई बफर कहाला, कुकुर ऐसा आदमी खाला, हम कहने ई बफर कहाला, कुकुर ऐसन आदमी खाला, केहू कहला गोरुआ खाज, इहो देख ले हो आज, आ छीना झपटी धक्का मुख की, थेथर होई हुए ढूकी। अच्छा अब इतना लोग बाप जान ले, एक सूत्र कहा बफर सिस्टम का सूत्र, अगर बफर सिस्टम में खाए जाए के बा त आप ई सूत्र याद रखी, कबो फेल ना हो सकल आदमी, आ ई सूत्र हमरी सिवाय केहू जनबो रखल पूरा हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में, एक सूत्र हमई खोजनी,
बफर सिस्टम का सूत्र ही हवे कि कहीं बफर सिस्टम में खाए जाए पैंट शर्ट पहन के जाई, जे कुर्ता धोती कुर्ता पजामा वाला भेटा ओकरे पीछे खड़ा होकर खाई, आराम से प्लेट सरकाई, ओकरे पीछे का कुर्ता उठाई हाथ पोछी जाई। ये एक सूत्र है। अच्छा जब खड़े खाही के बाद तो एक हाथ प्लेट एक हाथ चम्मच पीछे कौन हाथ के उठोई, हम तो दू एक जगह निहूर के मुंह पोछते हैं केहू धोल ना आ जाए तब हम कहते गारंटी के साथ कहते केहू पकड़ाई नहीं गारंटी हम देते कि छीना झपटी धक्का मुक्की आ थेथर होई उहे ढूकी आ जे शरमाई लोकरा खलिए बेटे खेले के परल खाली खैले खातिर कितना पापड़ आखिर करी वो हमारा रहे व्यवस्था नी के बाकी का कही आदमी के नेवता 20 जने के रो है वो हमारा 80 आदमी ढो है आ कुछ लोग सुने आयल गाना बाकी खाए लागल खाना हमरा जिंदगी भर ना भूली केहू खुश रहे चाहे फूली अब पीछे लौटे खातिर जोर लगा के ठेले के पड़ल खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पर।